आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। इस शानदार मौसम में बुद्धिस्ट भारत बनाने के लिए देश के कोने कोने से जो यहां लोग आए हैं, सबसे पहले आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। चार लोगों को याद करना इस मंच पर बेहद जरूरी है। सबसे पहले तथागत बुद्ध, इसके बाद सम्राट अशोक, जिनकी वजह से इस देश में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सका। तीसरा बाबा साहब और चौथे माननीय कांशीराम, जिनका आज स्मृति दिवस है। उन सब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं। दिल्ली में 22 प्रतिज्ञाएं ली गई। उन 22 प्रतिज्ञाओं से तथाकथित मनुवादियों के सीने पर सांप लौट गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, पूरे तर्क के साथ, पूरी रेशनैलिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे संवैधानिक मूल्यों के साथ, कि मैं अगर ये कह रहा हूं इस मंच से कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में भरोसा नहीं रखता, तो तुम जबरदस्ती रखवाओगे क्या? नहीं। इस देश का संविधान, इस देश की कोर्ट मुझे ये इजाजत देती है कि मैं कह सकूं कि मैं नास्तिक हूं। इस देश का संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं गर्व से कह सकूं कि मैं बौद्धिस्ट हूं। अगर मैं बौद्धिस्ट हूं तो यह कौन सा दोहरा चरित्र है इस ये बात कहने में कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में भरोसा नहीं रखता। इसमें कैसे किसी के धर्म का अपमान हो गया, कैसे किसी की भावनाएं आहत हो गई। यह तो मेरा निजी विषय है कि मैं किसमें भरोसा रखता हूं, किसमें नहीं रखता। इसमें तकलीफ कहां हो गई तुम लोगों को? लेकिन यहां सामने बैठे हुए लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं मैं कि मंचों से जब नारे लगवाए जाते हैं तो नारे बड़े शिद्दत के साथ लगाए जाते हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। लेकिन ध्यान रखिए सभी लोग मंच पर और नीचे, रट्टू तोता नहीं बनना है। हर चुनाव से पहले यह नहीं रखना है कि झोली वाला बाबा आएगा, खुद को फकीर कहलाएगा और जाल बिछाएगा राशन का, हमको फंसाएगा और हम फंस जाएंगे। यह नहीं होने देना है। अगर असली बुद्धिस्ट हो तो यह प्रण ले लो कि बुद्धिस्ट का मतलब है, आपको पता है कि मैं कौन सा वाला बुद्धिस्ट हूं। मुझे तथागत बुद्ध की एक बात जो सबसे पहले समझ में आई वो ये कि बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पता है आप लोगों को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पता है, सब लोग कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध ने संत की खोज की थी। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध ने जो सत्य की खोज की थी, वो ये थी कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर की सत्ता नहीं है। जब ईश्वर की सत्ता नहीं है तो ये दोगलापन छोड़ दो। इस मंच पर या नीचे बैठा हो कोई व्यक्ति अगर अपने हाथ में लाल धागा बांध करके नमो बुद्धाय करेगा तो वो बहुजन मिशन का जोई है। लाल धागा बांध करके घर पे मनुवादी देवी देवताओं को रख करके हाथ जोड़ रहा हूं कि नमो बुद्धाय जय भीम कहना बंद कर दो। वो व्यक्ति जो अर्चक संघ को मानता है, जो महामना रामस्वरूप वर्मा से लेकर के जगदेव बाबू पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती मनाता है और अगले ही दिन जाति महासभा के कार्यक्रमों में चला जाता है, वो बहुजन समाज का द्रोही है। इस मंच से जितने भी वक्ता बोले हैं, मैं आह्वान करता हूं कि प्रण लो इसी मंच पर कि आज के बाद किसी जाति महासभा के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। तय करिए इसी मंच पर, यह दोगलापन नहीं चलेगा कि बहुजन भी बने रहे और जाति महासभाओं में पदाधिकारी भी बने रहे। यह दोहरा स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से लोग अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं और जाति महासभाओं में बटे हुए भी हैं। जो अपने आप को अर्चक संघ का अर्चकवादी कहते हैं वो जाति महासभाओं के पदाधिकारी भी हैं। कैसे बदलाव आएगा? अपनी अपनी जाति के नेताओं में सामाजिक न्याय खोजते हो और कहते हो कि आरएसएस और बीजेपी ने आपका नुकसान किया है। सामाजिक न्याय
सीधे गड़ने वाले लोग अगर एमके स्टालिन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ जाए तो उसकी जाति खोजेंगे, गारंटी से बता रहा हूं। जाति पहले खोजेंगे कि एमके स्टालिन हमारी जाति का है कि नहीं है। जब तक तारीफें इस आधार पर होंगी कि हमारे जाति का नेता 2 मिनट संसद में बोला था, यह सामाजिक न्याय है। हमारी जाति का नेता पेपर में कटिंग में लिखा था कि जातिवार जनगणना की बात की, यह सामाजिक न्याय है। तब तक परिवर्तन नहीं होना है, कान खोलकर सुन लो। इसलिए इन मंचों से 22 प्रतिज्ञाएं जो ली जाएंगी उनमें एक प्रतिज्ञा और ऐड कर लो। मेरी तरफ से बंते जी से अनुरोध है कि हम उस धर्म के देवी देवताओं के अलावा अपने जाति के नेताओं को पहले राजा रानी और फिर देवी देवताओं की तरह नहीं पूजेंगे। इस मंच से यह क्लियर करना पड़ेगा कि हम जाति के ठेकेदारों को देवी देवता नहीं बनाएंगे और तथागत को, बाबा साहब को देवता और भगवान नहीं बनने देंगे। ये गौर से सुन लीजिए, अगर बाबा साहब के सामने अगरबत्ती लगाते रहे और तथागत बुद्ध को उसी सिस्टम के साथ पूजते रहे तो वो तो दिल नहीं जब नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा रख करके पूजने लगेंगे ये लोग, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग पूजने की परंपरा में बने रहें। वो चाहते हैं कि आप अगरबत्ती दिखाते रहें। भाई ये कौन सा पाखंड का विरोध है कि उनके वाले लिंग को पूजो तो पाखंड का विरोध और हमारे वाले को पूजो तो हम वैज्ञानिक हैं? ये कैसा विज्ञान है? पाखंड विरोध, पाखंड विरोध। इसलिए जिन लोगों ने कहा कि नीरज पटेल बुद्धिस्ट हो गए, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं साइंटिफिक बुद्ध का अनुयायी हूं, पाखंड वाले बुद्ध का नहीं। मैं कहीं भी किसी भी कीमत पर पाखंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरी दिक्कत है, अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं उस बुद्ध का अनुयायी हूं जो कहता था कि मैंने कुछ कह दिया, मैंने कुछ लिख दिया, मैंने कुछ बोल दिया, इसीलिए उसको सच ना मानो। पहले तर्क की कसौटी पर कसो कि मैंने जो बात कही वो तार्किक रूप से कितनी सही है, तब उस बात को मानो। हम उस बुद्ध के अनुयायी हैं। हम संगठनों में, नेताओं में देवी देवता खोजने लगे, उनको राजा रानी की तरह ट्रीट करने लगे, इसीलिए बदलाव नहीं हो पा रहा है। तीन कैटेगरी के जागरूक लोग हुए। एक कैटेगरी के वो जो इस तरह के कार्यक्रमों में जाने लगे, उससे एक कैटेगरी आगे बढ़ी, महापुरुषों की जयंतियां मनाने लगे। लेकिन मुझे वो तीसरी कैटेगरी चाहिए जब जातियों के आधार पर महापुरुषों की जयंतियां बंद हो जाए। ये जो दूसरे किस्म के जागरूक है ना, ये समाज का बंटाधार किए हैं, जागरूकता का ठेका भी लिए हैं और जाति के महापुरुषों के नाम पर एक्टिव भी हो जाते हैं। ये बदलाव लाना पड़ेगा। जब कुर्मी समाज का व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएगा, जब यादव समाज का व्यक्ति सिद्धियाल चौरसिया की जयंती मनाएगा, जब मौर्य समाज का व्यक्ति संतराम भी प्रजापति की जयंती मनाएगा और ये सब मिलकर के बाबा साहब की, रामस्वरूप वर्मा की, जगदेव बाबू की, महाराज सिंह भारती की जयंती मनाएंगे, बदलाव हो जाएगा। बदलाव झक मार के पीछे आएगा, झक मार के। लेकिन जब तक जाति के आधार पर ये क्राइटेरिया तय करोगे कि नीरज पटेल अच्छा बोलते हैं क्योंकि पटेल हैं, लक्ष्मण यादव अच्छा बोलते हैं क्योंकि यादव हैं, तब तक कोई बदलाव नहीं होने वाला। वहां की गुलामी यहां ट्रांसफर हो जाएगी और कुछ अंतर नहीं आना। यहां जितने व्यक्ति बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ध्यान दें। जिन लोगों ने नाम के बाद जाति हटा ली उनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, 10 पोस्ट में पता चल जाता है कि किस जाति का है। गजब सामाजिक न्याय है। एक ट्रेंड देखिए, इस मंच पे बहुत अच्छा बोला जा सकता है, बीजेपी का विरोध करो, 50 मिनट सब ताली बजाते रहेंगे, बहुत आसान है। इस भीड़ को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। केवल आपको पाखंड अंधविश्वास का विरोध करना है, बीजेपी के खिलाफ जहर उगलना है, हिट मामला। लेकिन ये इन लोगों से कौन पूछेगा जो अपने नाम के आगे बौद्ध लगाने लगे? उन लोगों से कौन सवाल पूछेगा कि क्या बुद्धिस्ट बनने के बाद, नाम के आगे बौद्ध लगाने के बाद जातियों में शादियां बंद कर दी क्या? कौन सवाल पूछेगा? अभी तमाम लोग पहली कैटेगरी में हैं कि आज हम लोग इस परिवार को में शामिल होने आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 साल से 20 साल से जो पंसिल
तमाम सारे चीजों का पालन कर रहा है, प्रतिज्ञा ले रहा है, फिर अंतरजातीय विवाह क्यों नहीं? और बिना अंतरजातीय विवाह हुए जब तक ये क्रॉस किया नहीं जाएगा कि मैं जाकर के गर्व से बताऊं कि वो फलाने प्रजापति तो मेरे मौसी के बेटे हैं, वो फलाने मौर्य जी मेरे चाचा के लड़के हैं, वो फलाने विश्वकर्मा जी मेरे मौसी मौसी के बेटे हैं, जब ये कनेक्शन हो जाएगा, ये वैचारिक रिश्तेदारी डेवलप हो जाएगी, किसी मंच की किसी संगठन की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। इसलिए इस मंच से आह्वान करता हूं, मैं द्रोही हूं समाज का, इस मंच से कह रहा हूं क्योंकि तब तक मेरी चेतना विकसित नहीं हुई थी, मैं कह रहा हूं मुझे गाली दी जा सकती है कि मैंने जाति में शादी की है, इस बात के लिए मैं गुनाहगार हूं, आप लोग मेरे खिलाफ लिख सकते हैं, लेकिन उस समय तक चेतना विकसित नहीं हुई थी, लेकिन अब चेतना विकसित हुई है। गर्व के साथ कह रहा हूं कि मेरे बेटे का नाम है कबीर, और बचपन से लेकर अभी तक कबीर को, महिलाएं गौर से सुन ले, कबीर को न काला धागा हाथ में पहनाया है, न टीका लगाया है, न हार पहनाई है, न चाकू लगाया है, लेकिन मेरे बेटे को नजर नहीं लगती क्योंकि वो तार्किक पिता का पुत्र है, और कबीर अपनी जाति में शादी नहीं करेगा, इस मन से ऐलान करता हूं। यह वैचारिकी बहानी पड़ेगी, मंचों पर भाषण देने वाले अपनी तरफ उंगली करके पूछें कि हम कितने सुधरे हैं, हमने इस सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कितना काम किया है, तब सही अर्थों में बदलाव आ जाएगा। एक अनुरोध और कर लेता हूं, इस माहौल को देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और मैं नहीं कहना चाहता था, इस बात पर सवाल उठेंगे, फिर भी इस मंच पर तमाम सारे लोगों ने कहा पटेल जी अपने लोगों को सुधार लो, तो इस मंच से आह्वान करता हूं कि सिर्फ जो ओबीसी हैं, संवैधानिक ओबीसी, जिनको ओबीसी का दर्जा दिया है संविधान ने, जरा हाथ उठाए कितने ओबीसी हैं यहां पर, अरे भरपूर, हाथ उठाइए कितने ओबीसी के लोग हैं, अरे दोनों हाथ उठाइए, जरा ताकत से दिखाइए ओबीसी, देखिए अब वो नफरतवादी लोग देख लें जो हर चीज में आपस में लड़ाना जानते हैं, अपनी अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं, देख लें कि पिछड़ा वर्ग इस बहुजन मिशन में शामिल है या नहीं, बताइए शामिल है या नहीं। जिस व्यक्ति को दिक्कत हो, जिस नफरतवादी को दिक्कत हो, जाके टाइटल पूछ ले, चौरसिया है कि नहीं, विश्वकर्मा है कि नहीं, पटेल है कि नहीं, यादव है कि नहीं, मौर्य है कि नहीं, निषाद है कि नहीं, अब बताओ कावड़ हो रहा है ओबीसी, चौहान है कि नहीं, दर्जी है कि नहीं, अरे पटेल भी है ना, एक एक का नाम कह लूं, मैं सिर्फ मैं माफी चाहता हूं, पुत्र बनने के बाद कोई जाति नहीं होती, हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं, लेकिन नफरतवादियों को बताना चाहता था, जो समाज में विघटन पैदा करना चाहते हैं, कि इस बहुजन मिशन में अब ओबीसी भी पूरी तरीके से तैयार है, तुम गले तो लगाना सीखो, और उस ओबीसी से भी अनुरोध करता हूं, उस ओबीसी से जो छतरी लगाए घूम रहा है, उस पिछड़े वर्ग के तथाकथित छत्रियों से भी अनुरोध कर रहा हूं कि तुम्हारा छत्रित्व किसी कमजोर को दबाने में नहीं है, तुम्हारा छत्रित्व का मतलब है कि अगर किसी कुर्मी के सामने किसी प्रजापति को कोई मनुवादी पीट रहा है, तो तुम खड़े हो जाओ कि तुम्हारी हैसियत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की, यह तुम्हारा छत्रित्व है। जो तथाकथित जातियां छत्री लगा के घूमती हैं, कुर्मी छत्री, यादव छत्री, मौर्य छत्री, और निषाद भी जल पछाल छत्री, और प्रजापति ब्राह्मण है, और विश्वकर्मा ब्राह्मण है, तो अनुरोध है कि कम से कम गांव में यूनिटी बनाइए। इस तरह के कार्यक्रमों से हकीकत है कि बहुत बदलाव नहीं आएगा, लेकिन गांव में एक ग्रुप बनाइए जिसमें काले कोट वाले जरूर रखिए, गौर से सुनिएगा, इसमें पैसा खर्च नहीं होना है, ब्लॉक स्तर पर काले कोट वाले मतलब वकील संगठन में जरूर शामिल करिए, हमारे जैसे बकैत पत्रकार जरूर होंगे आपके ब्लॉकों में, उन लोगों को शामिल करिए, सामाजिक कार्यकर्ता जिनको कहते हो कि चंदे के दम पे चलता है उसको शामिल करिए, और वो लड़का जिसको आपने हमेशा ये कहा कि अरे ये लखनऊ जाता है, दिल्ली जाता है, फर्जी फोटो खिंचाता रहता है, वो आपके लिए फुल टाइमर है, वो लड़का फुल टाइमर है, उसको अपनी टीम में शामिल करिए, जब पांच काले कोट वाले पांच पत्रकार थाने पर खड़े हो जाएंगे तो आपका उत्पीड़न बंद हो जाएगा। किसी विधायक, किसी सांसद, किसी नेता की तरफ हसरत भरी नजर से देखने की जरूरत नहीं है, निश्चित तौर पर राजनीतिक कुंजी से बहुत सारी चीजों का परिवर्तन होता है, अगर मायावती जी सत्ता में नहीं आती तो ये जगह हमें नहीं मिलती, निश्चित तौर पर होता है, लेकिन कांसीराम साहब ने
केवल एक बात थोड़ी कही थी कि बिना कुंजी के, बिना राजनीतिक कुंजी से कुछ हासिल नहीं होता। उन्हीं माननीय कांतीराम साहब ने यह भी तो कहा था कि अगर सामाजिक परिवर्तन के बिना कोई राजनीतिक परिवर्तन हो जाता है तो बहुजनों के काम का नहीं रहता। वो सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन लड़ेगा? हर व्यक्ति राजनीतिक परिवर्तन के लिए लड़ा जा रहा है और राजनीतिक परिवर्तन के लिए लड़ने के चक्कर में बुरा है, भला है, मेरी जाति वाला मेरा देवता है, चाहे फरसा उठा ले, चाहे गणेश पकड़ ले, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जातिवाद टेस्ट करना हो। लोग मुझसे कहते हैं कि आप थर्मल इमीटर लेके घूमते हो क्या? कोई जरूरत नहीं है। 15 मिनट उसकी जाति के नेता को सामने बुराई करो, उसका जातिवाद बाहर आ जाए। किसी का भी टेस्ट करके देख लो, और नहीं बाहर आया मतलब बहुजन मिशन का असली योद्धा है। असली योद्धा वही है जो जाति के नाम पे ना फिसले, जो जाति के नेताओं की गुलामी से उबर जाए। मैं भंते जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना शानदार मंच सजाया। और ये गौर से सुन लीजिए कि हमें ये प्रतिज्ञाएं लेने की आजादी संविधान से मिली है। संविधान ने हमें इस बात की छूट दी है कि हम किसी भी पूजा पद्धति को माने या किसी भी पूजा पद्धति को ना माने। इसलिए बंते जी ने कहा है कि वो 22 प्रतिज्ञा यहां दोहराई जाएंगी। उन 22 प्रतिज्ञाओं के साथ एक प्रतिज्ञा और मेरी तरफ से लेते जाइए कि किसी को भी हम खुदा नहीं बनाएंगे। सभी महामानव जो हमारे लिए काम किए हैं उनको पूजेंगे नहीं, उनको जानेंगे, मानने से ज्यादा उनको जानेंगे। अंतिम शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है तो समंदर के लहजे में ही बात करता है। जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है तो समंदर के लहजे में ही बात करता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। और सुन लो बुद्ध के अनुयायियों, सराफतों की यहां अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय अर्जक, जय मूल निवासी। जो कहोगे उसका जवाब दूंगा। जय मूल निवासी कहोगे, जय मूल निवासी कहूंगा। जय भीम कहोगे, जय भीम कह दूंगा। जय फातिमा कहोगे, जय फातिमा कह दूंगा। बस नफरत वाला भ्रुक्ति तान करके जय श्री राम नहीं कहूंगा। धन्यवाद।